युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व का आयोजन रावण दहन आतिशबाजी का कार्यक्रम 5 अक्टूबर बुधवार को किया जा रहा है। इस वर्ष समिति द्वारा दशहरा उत्सव समिति के द्वारा 27वां वर्ष है। समिति द्वारा इस वर्ष 75 फीट रावण के पुतले का निर्माण करवाया गया है तथा 50 फीट के कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही जॉनी लीवर के भाई यहाँ पर हंसाकर सभी का मन मोह लेंगे। गौरतलब है कि युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा इस वर्ष दशहरा पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने विशाल जन समूह की मांग को देखते हुए दर्शकों के मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध यहां पर किए गए हैं। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार जॉनी लीवर के भाई जिम्मी मोसेस जी एवं मशहूर ब्रांड सिंगर सहित कॉमेडी नाइट कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। इस वर्ष नए अंदाज में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही बच्चों के विशेष मनोरंजन के लिए काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश एवं शिवाकाशी की मनमोहक आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगी। इसके अलावा IPL स्तर की आकाशी इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी लोगों को खूब भाएगी। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। 2600 से सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में दशहरा पर्व का आयोजन भी किया जाता है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमने 2 साल स्थगित किया दशहरा। इस 27वें वर्ष हम दशहरा पर्व जिस स्तर पर करते थे उससे भी अच्छा स्तर पर करने का प्रयास करेंगे और भिलाई की जनता को जिस प्रकार का आतिशबाजी देखने के वो उत्सुक रहते हैं हमारी दशहरा कमेटी के द्वारा जो कराया जाता है उससे भी अच्छा IPL स्तर की आतिशबाजी काकीनाड़ा और शिवकाशी की आतिशबाजी का आनंद उठाएंगे सारे लोग। और साथ में फिल्म के जो मिमिक्री कॉमेडियन है जॉनी लीवर उनके छोटे भाई जिमी मोसेस और हॉलीडे बैंड और सिंगर आ रहे हैं जो लोगों का मनोरंजन के लिए और भिलाई की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी समिति जिस प्रकार हर वर्ष अच्छा कार्यक्रम कराती है और लोगों का मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम कराती है उस पर हम लोग खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। पब्लिकली कैसी व्यवस्था होगी बैठने के पार्किंग के लिए जैसे आपने बताया है? हमारे यहाँ क्या इतना बड़ा ग्राउंड है कि चारों तरफ हम लोग उसको रोशनी से टावर लगाकर जगह जगह स्टील क्लब से लेके जितने चारों तरफ पार्किंग और ग्राउंड में पूरी प्रकार की व्यवस्था रहती है। साथ में कैटेगरी में किया गया 1, 2, 3, 4 ये और क्लब है। सेक्टर 7 हाईस्कूल ग्राउंड है, पानी टैंकी है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है और हम पास भी इशू किए हैं जो 10,000 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था है साथ में और उनके जाना आस्था की भी व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं कि हमारी समिति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करे और लोग आए और अच्छे से लुत्फ उठाकर इस कार्यक्रम का जाए। इस बार मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे यहाँ इस बार मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी और हमारे यहाँ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे जो वर्षों से हमारे समिति को साथ है आदरणीय श्री नवीन केडिया जी, केडिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन और भिलाई स्टील प्लांट के कार्यपालक निर्देशक जो DI हमारे DI इंचार्ज है श्री अरविंद दास गुप्ता जी उपस्थित रहेंगे। साथ में सम्मानी अतिथि के रूप में श्री मनीष पांडे जी, श्री सलभ केडिया जी, श्री संजीव फतेहपुरिया जी उपस्थित रहेंगे।